होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु कोरोना वायरस जैसे महामारी को लेकर के इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में जो अलर्ट किया गया है, जो शासन ने जिस तरीके से आदेश दिया है, उस तरीके से लोग नियमों का पालन करते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रंग पंचमी के पूर्व संध्या पर जब होलिका दहन की जाती है, होलिका दहन की भी एक कथाएँ हैं जो कभी वक्त मिलेगा तो हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। पर होलिका दहन के जगह इस बार लोगों ने कोरोना दहन किया कि कोरोना जल्द से जल्द हमारे बीच से, हमारे देश से, हमारे समाज से बाहर जाए, ताकि हम सुरक्षित रहें। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं बर्फानी बाबा ट्रस्ट की तरफ से, यानी टेम घर इलाके में जिस तरीके से होलिका दहन मनाया गया, इसके संयोजक रहे हैं पद्माकर चौधरी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। होलिका दहन की जगह कोरोना दहन किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान नगर क्षेत्र में लेके चलते हैं, कामत घर हनुमान नगर क्षेत्र, जहाँ पर सभी युवा बच्चों ने एक साथ फैसला किया कि हम रंग पंचमी का त्यौहार नहीं मनाएंगे, होलिका दहन के इस अवसर पर हम नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह से सुरक्षा और व्यवस्था के साथ हम होलिका दहन के जगह कोरोना दहन करने जा रहे हैं। कोरोना दहन करके उन लोगों ने ये आशा जताई कि कोरोना जल्द से जल्द हमारे देश से जाएगा, हमारे समाज से जाएगा, हमारे प्रांत से, हमारे जिले से और हमारे शहर से जल्द कोरोना से हमें निजात मिलेगी, ताकि हम अपने सतत जीवन को जीने के लिए जो हम जूझ रहे हैं वो पूरी तरीके से हम उसमें सफल हों और कोरोना को भगाने में या कोरोना को दूर करने में हम कामयाब रहें। यही संकल्प के साथ युवाओं ने होलिका दहन की जगह कोरोना दहन करके, और दूसरी तस्वीर की हम रंग पंचमी नहीं मनाएंगे, ऐसा लोगों ने संकल्प किया। चलिए हम आपको लेके चलते हैं होलिका दहन का कुछ दृश्य दिखाने के लिए।